हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के इस सेशन में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराएंगे और वो ऑब्जेक्टिव होगा वेक्टर का, समझ रहे हैं ना। तो वेक्टर का आप लोगों को पिछला सेशन में आप लोगों को 20 तक ऑब्जेक्टिव बताया गया था और इस आज के इस सेशन में हम आप लोगों को 21 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग बने रहिए और आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं कि देखिए वेक्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल होता है, समझ रहे हैं। बस आपको फॉर्मूला बेस होता है, तो आपको जो पढ़ाया थे उस फार्मूला को देख लीजिए। और अगर जब आप नहीं देखे हैं तो आपको हम फार्मूला का फिर एक अलग सेशन आपको करा देंगे और उस फार्मूला के सेशन को देखकर आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बना सकते हैं और आपका जो बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होगा या CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम होगा उसका हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज बिना समय बिताए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज 21 नंबर क्वेश्चन है और 21 नंबर जो आप लोगों को क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा तो वह क्या दिया हुआ है कि भाई इफ ए वेक्टर इक्वल टू दे दिया हुआ है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप देन मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर बताना है। तो आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर निकालने के लिए हम लोगों को क्या करते हैं, आई वाला के स्क्वायर, जे वाला के स्क्वायर और के वाला के स्क्वायर करते हैं, मतलब तीनों का स्क्वायर हो जाता है। तो रूट के अंदर में होता है तीनों का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन तो आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो दूसरा इसका करेक्ट आंसर है, तीसरा में आपका रूट नहीं दिया हुआ है ना, इसलिए ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है प्लस ऑफ द वेक्टर 2i का प्लस में 3j का, देख रहा है ना। अगला क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो कहते दिया हुआ है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 2i का प्लस 3j का माइनस 4k का इज। तो देखिए सबसे पहले आप रूट के अंदर में लिख दीजिएगा रूट के अंदर में, है ना। और सबसे पहले कितना लिख दीजिएगा, 2k स्क्वायर, है ना। तो प्लस में हो जाएगा, फिर कहते 3k स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर लिख दीजिएगा आप, फिर लिख दीजिएगा प्लस में कहते 6k स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 × 1 = 36, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 2k स्क्वायर 4, 36 × 4 = 40, 49 × 49 = 7, समझ रहे हैं ना, 49 = 7। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह कौन हो जाएगा, बी आंसर होगा, 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कहला कि 49 मत बोल दीजिएगा ना, रूट में 49 ना आएगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसका दिया हुआ, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का मॉडुलस, तो भाई रूट अंडर 1k स्क्वायर, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कति होगा, रूट 3 होगा, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 जो 4 दे रखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 24 जो दे रख रहा है वो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है वेक्टर का। दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ 2i का माइनस 3j का प्लस k का, तो 2k स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 3k स्क्वायर 9, तो 9 × 4 = 13 = 14, अर्थात इसका रूट अंडर 14 आंसर हो जाएगा। रूट अंडर 14 बोलिएगा, 14 मत बोल दीजिएगा, रूट अंडर 14 मतलब रूट अंडर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 देखिएगा, तो 25 में दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, इसका मॉडुलस अगर जब आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 4 = 13 = 14, इसका भी हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, 14। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 के बाद 26 देखते हैं और 26 नंबर जो क्वेश्चन जो आप लोगों का दे रखा हुआ है देख लीजिए क्या दे रखा हुआ है ना, कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 2i का प्लस 3j का, मतलब इसमें k कैप नहीं है, तो k कैप नहीं है तो 0 होगा, तो भाई 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर 3 × 3 = 9 × 4 = 13, रूट अंडर इसका 13 आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 27 द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर है, तो 7 × 49 = 53 = 54, रूट अंडर 54 हो जाएगा, रूट अंडर 54 को आप लिख सकते हैं 9 × 6 है ना, तो 9 × 3 = 3√6 आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो आप लोगों को जो दे रखा हुआ है कि द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 19i कैप प्लस में 5j कैप माइनस 6k कैप इज, देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, देख रहे हैं आप लोगों का यह क्वेश्चन नंबर जो अभी जो पीछे देखे हुए थे वो सब क्वेश्चन आप लोगों को कई बार पूछ चुका है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा था 2019 में, है ना। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर 19, तो 19 के स्क्वायर आप लोगों को पता होगा कितना होता है, 19 का स्क्वायर होता है लगभग 381 क्या, 19 का स्क्वायर कितना होगा,
हाँ 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और 5 के स्क्वायर 25 है, 6 के स्क्वायर कितनी 36, तो 36 और 25 देखिए 19 का स्क्वायर हो जाएगा आपको कितना 361 है ना, प्लस प्लस 25 अच्छा 36, 36 और 25 आपको हो जाएगा कितना 35 और 25 मतलब 60 एक 61, 61 में फिर जोड़ दीजिएगा 61 है ना, तो आपको हो जाएगा 300 422 इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कितना हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। ठीक है अब चलिए फिर दिया हुआ है 29 नंबर क्वेश्चन द मॉडुलस ऑफ द फैक्टर, देखिए अब यह क्वेश्चन कई बार को पूछा हुआ है द मॉडुलस ऑफ द फैक्टर कितना 2i cap - 7j cap - 3 cap, तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 2 के स्क्वायर प्लस में 7 के स्क्वायर आप प्लस में कितना हो जाएगा 3 के स्क्वायर, तो 2 × 4 7 × 7 49 और 3 × 3 9 49 और 4 53 और 53 9 कितना हो जाएगा 53 9 9 3 12 √62 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 30 जो दे रखा हुआ है क्या दिया हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ कथी कि द मॉडुलस ऑफ द फैक्टर 4j cap प्लस में 3k cap इज, मतलब मॉडुलस ऑफ 4j cap प्लस 3k cap का मॉडुलस क्या हो जाएगा, तो 4j cap प्लस 3k cap का जो मॉडुलस होगा वो हो जाएगा 4 × 16 = 9 25 25 × 5 इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है ना, अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर देखेंगे और 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फैक्टर xi cap + yj cap + zk cap आर, तो भाई कोई भी फैक्टर का डायरेक्शन रेशियोज आपको बताए थे कि कंपोनेंट होता है स्केलर कंपोनेंट, तो स्केलर कंपोनेंट इसका क्या हो जाएगा xyz, इसका पहला आंसर हो जाएगा xyz। चलिए 32 नंबर जो क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है वो 32 का क्वेश्चन देख लीजिए, देखिए समझिएगा द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फैक्टर क्या दिया हुआ है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द कथी फैक्टर है ना 2i cap - 3j cap प्लस में कथी 5k cap आर, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द फैक्टर 2i cap - 3j cap प्लस में 5k, द डायरेक्शन रेशियो कितना 2 - 3 5 2 - 3 5 इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है जो 33 क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भाई द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर xi cap + yj cap + zk cap आर, मतलब इस फैक्टर का डायरेक्शन कोसाइन, तो आपको पता है कि भाई इसका डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई जेड होगा, देखिए कोई भी फैक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन होता है तो पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल के आप पहला बटा √√2, दूसरा बटा √√2 और तीसरा बटा √√2, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर 2i cap + j cap - 2k cap, तो पहले सबका स्क्वायर कर दीजिए, तो 2k² 4 1k² 1 - 2k² फिर 4 4 4 8 1 9 9 के निकल जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा 2/3 - 1/3 और -2/3 अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कितना 35 द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर 3i cap - 4j cap + 12k cap आर, मतलब द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर 3i cap - 4j cap + 12k cap इसका डायरेक्शन कोसाइन बताना है ना, तो पहले सबके स्क्वायर कर दीजिएगा तो 12k² 4k² 3k² आ जाएगा 169 के 13 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3/13 - 4/13 = 12/13 अर्थात इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फैक्टर 4i cap + 2k cap, देखिए तो जे नहीं है तो जीरो हो जाएगा, जे नहीं है तो जीरो हो जाएगा, तो सबसे पहला तो दिमाग में रख लीजिए 4 × 16 = 4 20 इसका 20 आ जाएगा, तो हो जाएगा 4/√20 और 0, 0 और 2/√20 √20 √2 √5 भी लिख सकते हैं। चलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के बाद हम लोग देखेंगे 37 नंबर जो क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा हुआ है वो क्या दे रखा हुआ है देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का जो 37 दिया हुआ है वो दिया हुआ कितना कि द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए फैक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना, कि भाई कोई फैक्टर है जो 2 को पॉइंट को ज्वाइन करा था, कै को पॉइंट को
दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, मतलब एक्स वन वाई वन जेड वन का और दूसरा एक्स टू वाई टू जेड टू का। तो जैसे ही ये दोनों को ज्वाइन करेगा तो हम आपको बताए थे सबसे पहले इसका पोजिशन वैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सबसे पहले पोजिशन वैक्टर। तो पोजिशन वैक्टर आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप, है ना। और इसका जो पोजिशन वैक्टर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपको एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन, अर्थात इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखेंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको एकदम दिमाग में रखिएगा सभी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 38 हम लोग को जो दे रखा हुआ है वो दिया हुआ है कितना कि इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल, इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गम विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली, कि कोई भी लाइन, कोई लाइन के बदले यहाँ पे वेक्टर हम लोग को दे देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं लिखिए, यहाँ पे वेक्टर लिखिए, है ना। यहाँ पे वेक्टर लिख दीजिए, लाइन का कहानी बाद में हम लोग देखेंगे। देखिए दिया हुआ कथी इफ ए वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली देन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो आप लोगों को फिर से बता दें कि यदि कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाता है तो हम बोले थे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं और इसे एल एम एन द्वारा डिनोट करते हैं। और आप लोगों को तीन फार्मूला वहाँ पे बताए थे, एल स्क्वायर जोड़ एम स्क्वायर जोड़ एन स्क्वायर इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, और बताए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो वन हो जाएगा। और वही जो क्वेश्चन है उसी तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों को 40 दे रखा हुआ है और 40 का जो आंसर हो जाएगा, 40 का जो आप लोगों का जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, वन, मतलब ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिया हुआ है 41 और 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द यूनिट वेक्टर ऑफ द डायरेक्शन इन डायरेक्शन द यूनिट। देखिए द दिया हुआ है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप, मतलब आई कैप प्लस जे कैप प्लस टू के कैप में यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपको पता होगा कि वेक्टर वाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर होता है। क्या बोलिएगा? वेक्टर वाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो पहले तो मॉडुलस निकाल दीजिए, तो दो दो ना चार, एक पाँच, एक कितना हो जाएगा, छः, तो रूट अंडर हो जाएगा सिक्स, तो भाई हो जाएगा वेक्टर वाई मॉडुलस ऑफ वेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और 42 नंबर जो क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है आप लोगों को, फिर वही बात दिया हुआ है, 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप आर, है ना, कि यूनिट वेक्टर एकरा डायरेक्शन में, इसके डायरेक्शन में हम लोगों को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपको छः एक 36, दो दो ना चार हो जाएगा 40, और नौ 49 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7, छः एक 36, 40, नौ 49 के साथ आ जाता है। लेकिन बट किसी कारण से इसमें 7 किसी में दे दिया हुआ ही नहीं है ना, अर्थात इसका जो आंसर होगा डी, इसमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 43। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द वेक्टर्स टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस फोर के कैप इक्वल टू ए आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस एट के कैप आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ ए, मतलब आपको बताए थे कि कोलिनियर होने का शर्त है ना, आपको क्या बताए थे, कोलिनियर होने का शर्त, कोलिनियर। अब देखिए सबसे पहला चीज दिमाग में रखिए, कोलिनियर तभी होगा जब आप लोगों को बताया था ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आप लिखिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा टू बाई में ए, आप बराबर में आपको कितना हो जाएगा फिर माइनस थ्री बाई कितना हो जाएगा सिक्स, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हो जाएगा तीन दूना कितना हो जाएगा छः, अर्थात ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा माइनस फोर, ए का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा माइनस फोर, अर्थात करेक्ट आंसर होगा बी। अगर जो बी के जगह पर, अगर जो यहाँ पे ए के जगह पर अगर जो माइनस फोर डाल दिया जाए, कितना डाल दिया जाए माइनस फोर डाल दिया जाए, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या होगा, कोलिनियर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को कॉपी पर आपको बनाना पड़ेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। देखिए
क्वेश्चन नंबर जो 44 जो क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6i cap + 3j cap, 4i cap - 8j cap अब फिर दिया हुआ एंड (x_i cap - 52j cap) बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तीन गो कोलिनियर पॉइंट्स होगा तो भाई तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होगा देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो तीनों कोलिनियर पॉइंट्स होगा तो सबसे पहले तो आपको पहले जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट को अगर जो हम लोग ए मान लेते हैं और इसको अगर जो बी मान लेते हैं और इसको अगर जो हम सी मान लेते हैं तो एक बार पहले निकालना पड़ेगा ए बी वेक्टर और एक बार निकालना पड़ेगा बी सी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर अगर जो निकालते हैं तो 40 में से 60 जाएगा तो जाएगा माइनस 20i cap है ना, 20i cap और -8 से में से 3 जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11j cap, समझ रहे हैं ना। अच्छा चलिए अगर जो इसमें से इसको घटाते हैं तो जाएगा x - 40i cap है ना, और कॉमे देके हम लोग लिख देते हैं -52 + 8 हो जाएगा तो -52 में से 8 जाएगा तो आप लोगों को कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो 4 मतलब -44 हो जाएगा, तो -44 हो जाएगा है ना, -44 होगा। अगर जे ये भाई कोलिनियर होगा तो इसका मतलब कंपोनेंट रेस्पेक्टिव कंपोनेंट प्रोपोर्शनल होगा तो हो जाएगा -20 अब बट्टा में कभी हो जाएगा x माइनस में कितना हो जाएगा 40 अब बराबर में हो जाएगा कितना -11 अब बट्टा में कितना हो जाएगा -44, समझ रहे ना, -44 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये बच जाएगा आपको, कैंसिल करके ये बच जाएगा आपको कितना 4 बच जाएगा तो आपको हो जाएगा x - 40 बराबर हो जाएगा -20 कितना 80 -80 हो जाएगा, समझ रहे ना। तो ये हो जाएगा -40 इधर जाएगा तो +40 अर्थात इसका +20 आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना -20 इसका आंसर होगा, -20 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और 45 नंबर क्वेश्चन से हम लोग अगला सेशन में देखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइए। ओके धन्यवाद।